ये है होंडा CB350 RS और ये है न्यूली लॉन्च ट्रायम्फ स्पीड 400। दोनों बाइक में ना बहुत डिफरेंस है। ये बाइक जो है लॉन्च हुई थी आज से 3 साल पहले, जो होंडा हाइनस है वो लॉन्च हुई थी 3 साल पहले। RS जो है वो 2 साल पहले आई थी 2021 में, और ये बाइक जो है रिसेंटली लॉन्च हुई है अभी। इसमें जो है आपको मिलता है एयरकूल्ड इंजन, ट्रायम्फ में मिलता है आपको लिक्विड कूल्ड इंजन। देखने में ये बाइक जो है ज़्यादा बड़ी लगती है, बट पावर वाइज स्पीड में ज़्यादा पावर है। और ये तो बात होगी डिफरेंस की, इन दोनों बाइक में ना एक कॉमन चीज़ भी है, वो ये कि मैं ये दोनों बाइक जो है ऑन करता हूँ। यस, और ये दोनों बाइक जो है लद्दाख कर चुकी है, मैंने इन दोनों बाइक पे लद्दाख किया है। सो हाई गाइज, अ वेरी वार्म नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तो यार इस वीडियो के लिए ना आप लोग काफ़ी टाइम से कमेंट कर रहे थे कि ना एक कंपेरिजन बनाऊँ मैं CB350 का और अपनी ऑल न्यू ट्रायम्फ स्पीड 400 का। बट ना मेरे माइंड में ये था कि मैं एक बार लद्दाख कर लूँ ना, उसके बाद मैं आपको ढंग से बता पाऊँगा दोनों बाइक के बारे में। क्योंकि यार लद्दाख एक ऐसा टेरेन है ना जिसमें ना आपकी बाइक की ना कोई भी बाइक हो उसकी प्रॉपरली टेस्टिंग हो जाती है, सीट कम्फर्ट की, सस्पेंशन की, हैंडलिंग की, और ऑल्टीट्यूड पर बाइक कितनी केपेबल है, सब चीज़ की जो है ना प्रॉपरली टेस्टिंग हो जाती है। और आप लोग जानते हैं कि मैंने अभी रिसेंटली ट्रायम्फ स्पीड 400 पे लद्दाख कंप्लीट किया है, और अपनी होंडा CB350 पे मैंने लास्ट ईयर किया था। मेरे पास जो है होंडा हाइनस है, होंडा CB350 हाइनस है, ये जो बाइक है मेरे फ्रेंड की है। और CB350 हाइनस में और CB350 RS में ना कुछ खास डिफरेंस नहीं है, थोड़े बहुत कॉस्मेटिक डिफरेंस है। और जो आपकी RS है ना उसका पॉस्चर थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड है कंपेयर टू हाइनस। हाइनस में जो आपको पॉस्चर मिलता है ना, राइडिंग पॉस्चर, वो ऑलमोस्ट ऐसा ही है जैसे आपको स्पीड में मिलता है, स्पीड ट्रायम्फ स्पीड 400 में मिलता है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो यार इस वीडियो में ना हम डिटेल में बात करेंगे प्रैक्टिकली इन बाइक में क्या डिफरेंस है, सिटी में बाइक ये कैसे परफॉर्म करती है, हाईवे पर परफॉर्म कैसे करती है, लद्दाख में बाइक ने कैसे परफॉर्म किया, इन दोनों बाइक में क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, और कौन से राइडर को कौन सी बाइक लेनी चाहिए, कौन सी बाइक सूट करती है ज़्यादा। तो ये है अपनी CB350 जिसमें आपको मिलता है 350cc का एयर कूल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है ऑलमोस्ट 20 PS की पावर और 27 Nm का टॉर्क, रफली इतना ही है, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है। और ये है अपनी ट्रायम्फ स्पीड 400 जिसमें आपको मिलता है 400cc का लिक्विड कूल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 40 PS ऑफ पावर एंड 37 Nm ऑफ टॉर्क। इस बाइक में जो पावर है कंपेयर टू CB350 वो ऑलमोस्ट डबल है, डबल ही एग्जैक्टली, एंड जो इसमें टॉर्क है वो ऑलमोस्ट 1.5 टाइम है कंपेयर टू RS। अगर लुक्स की बात करें ना, दोनों बाइक्स ही बहुत ऑसम लुकिंग बाइक्स हैं, मॉडर्न क्लासिक बाइक है। हाँ, साइज़ वाइज जो है ये बाइक थोड़ी बड़ी लगती है और ये थोड़ी कॉम्पैक्ट लगती है, आपकी ट्रायम्फ जो है थोड़ी कॉम्पैक्ट लगती है। उसके क्या रीज़न है वो आगे बात करते हैं। CB350 में फ्रंट में मिलते हैं आपको टेलीस्कोपिक फॉक्स, पीछे में मिलते हैं नॉर्मल स्प्रिंग का सेटअप, और ट्रायम्फ में मिलते हैं आपको आगे USD फॉक्स, और पीछे जो है आपके मोनोशॉक। CB350 का जो सस्पेंशन है थोड़े स्टिफ साइड पे है, इसके सस्पेंशन जो है थोड़े सॉफ्ट है। बात करें टायर्स की तो इसमें आपको मिलते हैं 18 इंच के अलॉय ट्यूबलेस रियर में, फ्रंट में मिलते हैं 19 इंच के अलॉय ट्यूबलेस, स्पीड में मिलते हैं आपको 17 इंच के अलॉय ट्यूबलेस फ्रंट में और रियर में। ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से इस बाइक की जो लुक है, CB350 की जो लुक है वो काफ़ी बड़ी मैचो लगती है। रोड प्रेजेंस नो डाउट CB350 की बेटर है कंपेयर टू स्पीड। अगर रियर लुक की बात करें तो स्पीड की रियर लुक बहुत अच्छी है, सेम फॉर CB350। फ्रंट से जो है थोड़ी सी छोटी लगती है स्पीड कंपेयर टू CB350। CB350 और स्पीड में दोनों में आपको जो है सिंगल सीट सेटअप मिलता है। अगर सीट कंफर्ट की बात करें ना तो स्पीड का जो है सीट कंफर्ट वो बेटर है कंपेयर टू CB350 फॉर लॉन्ग राइड्स। अगर आपको एक दिन में सिंगल डे में 500 किलोमीटर 700 किलोमीटर राइड करनी है, इसमें आपको कुछ एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सीट कवर, कुछ जेल पैडिंग वाला, कुछ एयर सीट आपको लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इसमें आप कुछ ना कुछ आपको चेंजेस करने पड़ेंगे फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग। नेक्स्ट बात करते हैं टैंक कैपेसिटी की। इस बाइक की जो टैंक कैपेसिटी है वो है 15 लीटर की, इस बाइक की जो टैंक कैपेसिटी है वो है 13 लीटर की, और माइलेज जो है ये बाइक मुझे ओवरऑल लद्दाख में इसने माइलेज दी है 30 की। इस बाइक ने मुझे लद्दाख में माइलेज दी थी ऑलमोस्ट आई थिंक 36-37 की। तो कहीं ना कहीं एक फुल टैंक में आप CB350 से निकाल सकते हो 500 किलोमीटर, वहीं स्पीड में आपको जो है 400 किलोमीटर की टैंक कैपेसिटी मिलेगी। CB350 में मिलता है आपको एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर, बट इसमें जो है टैकोमीटर नहीं है, सेम आपका स्पीड का है डिजिटल प्लस एनालॉग, बट इसमें टैकोमीटर है। दोनों के जो मीटर कंसोल है ना वो ऐसे हैं कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है पूरी क्लियरली विजिबल होती है, कोई इशू नहीं आता। साइज बहुत बड़ा नहीं है बट जो इन्फॉर्मेशन है वो एकदम विजिबल है। लाइट्स जो हैं
CB350 की हेडलाइट इंडिकेटर LED हैं, सेम स्पीड में है। हेडलाइट इंडिकेटर फ्रंट के रियर के सारे LED हैं। अगर हेडलाइट के थ्रू की बात करें ना, तो दोनों बाइक का ना जो हेडलाइट का थ्रू है ओके है, सिटी के लिए जस्ट फाइन है, बट हाईवे के लिए आपको एक्स्ट्रा लाइट लगवानी पड़ेंगी। ग्राउंड क्लियर जो है स्पीड की है 170 और आपकी CB350 की है 167, तो ग्राउंड क्लियरेंस जो है दोनों बाइक की सेम है। इतनी ग्राउंड क्लियरेंस जो है सफिशिएंट है लद्दाख ट्रिप करने के लिए। इतनी ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में ना आप हार्डकोर ऑफरोडिंग नहीं कर सकते हो, और ये बाइक जो है दोनों हार्डकोर ऑफरोडिंग के लिए बनी भी नहीं है। अब मैं सुनाता हूँ आपको इन बाइक का थंप। तो अगर बात करें एग्जॉस्ट साउंड की, तो CB350 की जो एग्जॉस्ट साउंड है ना वो थोड़ी बेसी है और थोड़ी थंपी ज़्यादा है कंपेयर टू स्पीड। स्पीड की भी एग्जॉस्ट साउंड जो है आप बोल सकते हो कि थंपी है, बट कंपेयर टू CB350 जो है वो कम बेसी है। बाकी आप बताओ कमेंट करके कि आपको इन दोनों बाइक में किसकी जो है एग्जॉस्ट साउंड बेटर लगती है। और बात करें सीट हाइट की, तो CB350 की सीट हाइट है 800 mm और स्पीड में मिलती है आपको 790 mm, तो सीट हाइट जो है दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। दोनों बाइक में आपको मिलते हैं ड्यूअल चैनल ABS और सिंगल डिस्क का सेटअप मिलता है फ्रंट में, सिंगल डिस्क मिलता है रियर में। मिरर जो है स्पीड में है 12 मिरर है और आपकी CB350 में है नॉर्मल मिरर है। मेरे अकॉर्डिंग इन मिरर्स की जो है विजिबिलिटी रियर की वो बेटर है कंपेयर टू CB350। मैंने अपनी CB350 में एवेंजर के रियर व्यू मिरर लगा रखे हैं, वो बेटर है कंपेयर टू जो स्टॉक मिरर आते हैं। फुटपैक जो है आपको RS में जो है हल्के से आपको रियर सेट मिलते हैं, सेम जो है आपको मिलते हैं स्पीड में। हाईनेस में जो है आपको हल्के से जो आपको फॉरवर्ड मिलते हैं आपको फुटपैक कंपेयर टू स्पीड एंड CB50 RS। होंडा CB50 लॉन्च हुई थी 2020 में और हाइनेस जो लॉन्च हुई थी, और स्पीड जो है आपकी रिसेंटली लॉन्च हुई है 2023 में। बट फिट एंड फिनिश जो है ना दोनों बाइक की अपने सेगमेंट में टॉप नॉच है, और दोनों ही बाइक में ना आप फिट एंड फिनिश में ना कोई कमी नहीं निकाल सकते। तो अब चलते हैं, दोनों बाइक को मैं राइड करूंगा, तब आपसे मैं शेयर करूंगा इनका दोनों का राइडिंग एक्सपीरियंस, राइडिंग कम्फर्ट। तो पहले चलाते हैं अपनी होंडा CB350 RS। इसका जो पॉस्चर है RS का कंपेयर टू ट्रायम्फ हल्का सा लीन फॉरवर्ड है, और इस बाइक की ना जो फील है इंजन की फील है ये प्रॉपर एक थंपी फील जैसे होती है ना वैसी है। क्लच लाइट है, काफी लाइट है, मतलब इससे ज्यादा लाइट क्लच ना मैंने किसी बाइक का नहीं देखा आज तक। ब्रेकिंग अच्छी है इसकी, मतलब मैं बोल सकता हूँ अगर मार्क्स देने हो ना मुझे ब्रेकिंग में, तो आउट ऑफ 10 7 मार्क्स दूंगा मैं ब्रेकिंग को, और 7 इज गुड। फ्रंट की बेटर है ज़्यादा, रियर की जो है वो ओके टाइप है। फिफ्थ गियर पे इसमें इतनी पावर नहीं है, ये जैसे काइंड ऑफ क्रूजिंग गियर है, और अगर मुझे जैसे 100 की स्पीड पे हूँ मुझे पुश करना है अभी, तो पूरा थ्रॉटल मैंने पिक कर दिया ना, तो ये देखो बाइक जो है 100 के बाद जो है उठती रही है ज़्यादा। काफ़ी टाइम लगता है 100 से 110 पहुंचने में, तो अगर मुझे ओवरटेक करना है 70-80 के बाद में तो मुझे गियर डाउन करना पड़ेगा। प्लांटेड फील होती है, बट इसकी जो सस्पेंशन थोड़ा हार्ड साइड पे है। सीट कंफर्ट इसका एवरेज है, ओके टाइप। और आज हम हैं वीकेंड राइड पे, तो अभी हम आ गए हैं सर्विस लेन में, और अभी आपको एक बढ़िया लोकेशन दिखाते हैं रिव्यू के साथ में, एक बढ़िया लोकेशन जो कि जस्ट दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर है, 50 किलोमीटर्स, 1 आवर राइड। अगले 5 मिनट में फील भी नहीं होगा कि हम दिल्ली के इतने पास में हैं। इस बाइक का जो साइज़ है ऑलमोस्ट स्क्रैम्बलर जितना है, स्क्रैम्बलर इसे मतलब ऑलमोस्ट इसी साइज़ की है ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर। तो जो CB350 की रोड प्रेजेंस है वो बेटर है कंपेयर टू स्पीड। और अगर गियर शिफ्टिंग की बात करें, इसमें जो है आपको टॉल गियरिंग मिलती है, आपको जो है फ्रीक्वेंटली गियर जो है चेंज करने पड़ते हैं इसमें आपको। मतलब नॉर्मली मैं जैसे पीक ट्रैफिक में चलाता हूँ बाइक को, तो मुझे फर्स्ट गियर डालना पड़ता है कई बार, मतलब फर्स्ट गियर में मुझे राइड करनी पड़ती है। उस बाइक में मैंने सिटी में सेकेंड गियर में ही राइड करी है, फर्स्ट गियर में कभी राइड करी नहीं है। हाँ मतलब हिल्स पे ऑफ रोडिंग के टाइम पे कई बार मुझे फर्स्ट गियर डालना पड़ा मुझे ट्रायम्फ स्पीड 400 में,
बट अदरवाइज फर्स्ट गियर की रिक्वायरमेंट नहीं है इस पे। फर्स्ट गियर आपको डालना पड़ता है अगर पीक ट्रैफिक में चल रहे हो आप, तो आपको रिलैक्स होकर क्रूजिंग कर रही है तो उसके लिए बाइक आई है। बहुत भगानी है, पंची फीलिंग लेनी है तो उसके लिए बाइक नहीं आई है। सिटी परफॉर्मेंस पे इसको मनोवर करना काफ़ी ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। हाईवे पर बहुत स्टेबल रहती है, बहुत लाटी चलती है, और जब आप माउंटेन पे लेके आते हो ना, इस हिल्स पे लेके आते हो उस होंडा सिटी 350 को, तो आपको थोड़ी फ्रिक्वेंटली गियर चेंज करने पड़ते हैं। ऑफकोर्स वो टॉल गियरिंग है, लो एंड टॉक उतना अच्छा नहीं है, बट कहीं स्ट्रगल नहीं करती है। और अब बात करते हैं इस बाइक की लद्दाख पे परफॉर्मेंस की। बहुत सारे आज यहाँ राइडर्स, बाइकर्स, कार वाले बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। तो यार अपनी होंडा सी पी 350 को ना मैं लद्दाख भी लेके जा चुका हूँ, स्पीति भी लेके जा चुका हूँ, और मल्टीपल जो है हिल राइड कर चुका हूँ इस बाइक पे। तो लद्दाख में ना जब आप हाई ऑल्टीट्यूड पासेस पे जाते हो तो वहाँ पर इस बाइक में आपको थोड़ा पावर लॉस फील होता है। मतलब बाइक स्ट्रगल नहीं करती है, बट हाँ यू कैन मेक आउट कि हाँ भाई थोड़ा बहुत पावर लॉस है बाइक में। इस बाइक पे लद्दाख में जब गया था पूरा पुश करने के बाद भी, प्लेन रोड पे भी ना ये बाइक जो है आपकी 80-85 से ऊपर जो है 90 से ऊपर नहीं जाती है, तो उतना जो है पावर लॉस फील होता है। अदरवाइज भी इस बाइक पे जो नॉर्मल क्रूजिंग स्पीड है, आपको जो ऑल डे लॉन्ग बढ़िया क्रूजिंग स्पीड इसमें मिलती है कंफर्टेबल, वो इस बाइक की है 90 किलोमीटर पर आवर। उससे ऊपर आप चलाओगे 100-110 पे ना, तो फिर थोड़ा स्ट्रेस फील करता है इंजन इसका। और इस बाइक को अगर आप तमीज से चलाओगे, तमीज से मीन्स कि 80-90 की स्पीड पर चला रहे हो, क्रूजिंग कर रहे हो हाईवे पे, तो इस पे माइलेज जो है आपको 40 प्लस भी मिल जाती है। मतलब 40 प्लस मुझे माइलेज मिल रही है इस बाइक पे हाईवे टूरिंग पे। लद्दाख में इस बाइक ने मुझे कहीं फंसाया नहीं, कहीं स्टार्टिंग प्रॉब्लम ऐसे मेजर आई नहीं इस बाइक में। हाँ बट पावर लॉस मुझे जो है इसमें फील हुआ। और लद्दाख में जो मेरी माइलेज आई थी होंडा सी पी 350 पे वो थी 36-37। मेरा ट्रिप था ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर का था। सी पी 350 में आपको टायर जो मिलते हैं रोड टायर मिलते हैं, तो इसमें अगर आप ऑफ रोडिंग करने वाले हो तो थोड़ी दिक्कत होने वाली है। और 125 से ऊपर मैंने कभी इस बाइक को चलाया नहीं है, और 125 भी मतलब पुश करने के बाद चलती है ये। गियर शिफ्टिंग स्मूथ है इसकी, क्लच यार बहुत लाइट है इसका, अमेजिंग क्लच, पता फील ही नहीं होता कि मतलब क्लच से आप प्ले कर रहे हो। तो ये आ गए हम अरावली हिल्स के बीच में, इस जगह का नाम है पंडाला। वीकेंड राइड के लिए बेस्ट प्लेस है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। आप दिखाते हैं इस बाइक की परफॉर्मेंस मिट्टी में। आगे पूरा मड बात चलता रहता है। कोई गाड़ी अटकी भाई यहाँ पर? ग्रेट CB350 ऑलवेज ग्रेट। पॉजिटिव चीज तो बात कर ली यार, अब बात करें नेगेटिव चीज की ना, तो जो मेरी CB350 है हाइनेस, उसमें कहीं ना थोड़ा बहुत जो है वाइब्रेशन का इशू है। पहले ज़्यादा था, कॉन्सेंट में कुछ चेंजेस किए तो वो रिजॉल्व हो गया है, कम हो गया है, बट है स्टिल। मैं ये नहीं बोलूँगा बिल्कुल चला गया है, मेजर नहीं है, बट हाँ है। इसके अलावा कुछ और नेगेटिव पॉइंट्स थी 350 का, मतलब जो ऐसा है कि मैं डिस्कस करूँ आपसे बताऊँ, बताने लायक हो ऐसा कुछ नहीं है। अब चलाएंगे हम अपनी राइड स्पीड और उसके बारे में बताएंगे आपको। तो फाइनली आ गया हूँ मैं टाइम स्पीड 400 पे। पहली चीज़ बैठते ही बाइक में आपको फील होती है क्लच, क्लच बहुत लाइट है इसका, गियर शिफ्टिंग इज स्मूथ, और लो एंड टॉक अच्छा है इसका यार, गियर जो है कम फ्रीक्वेंटली चेंज करने पड़ते हैं। एक और चीज़ स्पीड का, जो रियर का सस्पेंशन सिस्टम है ये 10 लेवल एडजस्टेबल है, और CB350 का जो है वो 3 लेवल, आई थिंक 5 लेवल जो है एडजस्टेबल है, आई एम नॉट श्योर 3 है या 5 है। कहीं ना पीक आउट ट्रैफिक में ना इस बाइक को राइड करना थोड़ा सा ज़्यादा ईजी है कम्पेयर टू CB350, जस्ट बिकॉज इसका जो व्हील बेस है वो कम है, फ्रंट टायर छोटे हैं, तो मनोवर करना थोड़ा सा ज़्यादा ईजी है। मतलब 19-20 का फ़र्क है, मेजर फर्क नहीं बोलूँगा, CB350 भी ईजी है। हाईवे राइड स्टेबल रहती है, बढ़िया रहती है। अब बात करें इसकी हिल परफॉर्मेंस और लद्दाख में इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही बाइक की, इस बाइक की लद्दाख में परफॉर्मेंस अमेजिंग रही। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी बेटर रही इसकी परफॉर्मेंस, क्योंकि कहीं ना छोटी कॉम्पैक्ट बाइक है ये, थोड़ी सी कॉम्पैक्ट बाइक है, तो उतने ज़्यादा स्टेबिलिटी जितनी मिलती है इस बाइक पे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था लद्दाख में या हाईवे पर या लॉन्ग टूर्स में। जब मैं इसको 110-120 पे क्रूज़ कर रहा था, इस बाइक को आप इजीली 110-120 तक क्रूज़ कर सकते हो, वाइब्रेशन नहीं है इस बाइक में। वाइब्रेशन इस बाइक में आपको मिलती है 100 के बाद, थोड़ी बहुत 120 के बाद जो है थोड़ी ज़्यादा आपको वाइब्रेशन मिलनी फील हो जाती है।
मिड एंड लो एंड इस बाइक का कमाल का है यार। देखो यार, वैसे तो इंजन ना दोनों बाइक के रिफाइंड ही है, होंडा सिटी 350 का भी और स्पीड का भी, बट अगर आप पूछोगे कौन सा ज़्यादा रिफाइंड इंजन लगता है मुझे, तो कहीं ना कहीं ना आई फील कि थोड़ा सा 19-20 होंडा सिटी 350 का जो इंजन है वो ज़्यादा स्मूथ है। दैट डजेंट मीन इसका रिफाइंड नहीं है। इस बाइक का इंजन अगर हम बात करें, इसकी जो टक्कर की बाइक है, टक्कर मीन्स बोले तो इस पावर रेंज की जो बाइक है, 40 bhp की बाइक है, सिंगल सिलेंडर में, KTM ड्यूक होगी, 390 होगी, उनसे इस बाइक का इंजन बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड है। ब्रेकिंग जो कहीं ना स्पीड की वो बेटर है कंपेयर टू CB350, थोड़ी सी बेटर है, खासकर फ्रंट ब्रेकिंग जो है वो काफ़ी बेटर है। और यार जिस स्पीड पर बाइक जाती है ना, ये जिस हिसाब से चलती है, पिकअप होती है, जो आपको पंच मिलता है, इसकी ब्रेकिंग इफेक्टिव ज़्यादा होनी ही चाहिए। जो आपको लॉन्ग राइड में जो कंफर्ट मिलता है ना ओवरऑल, उसमें ना दो चीज़ें रोल प्ले करती हैं, एक तो होगी आपका सस्पेंशन सिस्टम, एक होता है आपका सीट की कुशनिंग। स्पीड की जो है, सीट की कुशनिंग, सस्पेंशन सिस्टम दोनों ही बेटर हैं कंपेयर टू CB350। तो लॉन्ग राइड में नो डाउट आपको बेटर फील होता है स्पीड 400 पे। फर्स्ट सर्विस कॉस्ट स्पीड की है 1800 रुपीज़, 1900 रुपीज़, दैट्स ऑल। सेम ही सर्विस कॉस्ट है आपकी होंडा एनएस की, तो कहीं ना कहीं मोरलेस सेम ही है सर्विस कॉस्ट दोनों बाइक की। सेकेंड सर्विस कॉस्ट इस बाइक की कितनी रहेगी वो तो जब टाइम आएगा सर्विस का तब मालूम चलेगा, अदरवाइज मेंटेनेंस कॉस्ट जो है इस बाइक की वो कम है काफ़ी, इकोनॉमिकल है, जैसे कि आपकी हाइनेस की है। तो मैंने हाइनेस के और स्पीड के मल्टीपल ब्लॉग्स बना रखे हैं सर्विस कॉस्ट के, मेंटेनेंस कॉस्ट के, तो आप चाहो तो देख सकते हो। बट हाँ, माइलेज में कहीं ना कहीं ये बाइक होंडा हाइनेस से मार खाती है। होंडा हाइनेस की माइलेज मुझे 40 तक मिली है हाईवे पे। अगर आप उस बाइक को 80-90 पे चलाओगे तो 40 प्लस माइलेज मिलती है उस बाइक पे, वो माइलेज आपको इसमें नहीं मिलेगी। इसमें आपको आई फील कि सिटी में जो है, अगर सिटी प्योर सिटी राइड करोगे तो 30 से भी कम माइलेज मिलेगी। हाईवे पे मुझे माइलेज मिली है 32 तक मिली है माइलेज, बट आई थिंक आप अगर इसको बाइक को 100 तक चलाते हो, 90-100 तक, तो फिर आपको मे बी 33 तक माइलेज मिल जाए, 33-34 मिल जाए मे बी। बट या फिर आप इतनी पावरफुल बाइक लेके उस बाइक को 90-100 पे नहीं चलाओगे, ये बात तो श्योर है। आपका मन करेगा प्ले करने का, पुश करने का, और ये चीज़ इस बाइक की बेस्ट है कि इसमें एकदम आपको सर्ज नहीं मिलता, बट जो एक पुश मिलता है ना पावर का, जैसे आपको जो हाइनेस पे नहीं मिलता। आई एम 6 गियर, 80 की स्पीड पे हूँ मैं, मैंने जस्ट पुश किया और आई एम ऑन 100। ये फील जो है ना, ये एकदम सडन जो पुश है, लद्दाख की बात करें ना यार, इस बाइक में लद्दाख में हमें कोई इश्यू नहीं आया, बिल्कुल भी पावर लॉस फील नहीं हुई इस बाइक में, ना नॉर्मल रोड्स पे, ना हाई ऑल्टीट्यूड पासिस पे। इस बाइक को जहाँ रोड बढ़िया रोड थी, प्लेन रोड थी लद्दाख में, हमने 120 तक राइड किया, मतलब मैंने इसको 120 तक राइड किया है। वही जो है होंडा हाइनेस कहीं ना कहीं 85-90 तक मैक्सिमम जाती है लद्दाख में, तो पावर लॉस फील नहीं होता है इसमें आपको बिल्कुल भी लद्दाख में। ओवरऑल मैं देखूँ तो इस बाइक ने लद्दाख में कहीं ना कहीं थोड़ा बेटर परफॉर्म किया कम्पेयर टू होंडा CB350। देखो यार, कहीं ना कहीं देखा जाए ना तो होंडा CB350 का जो इंजन है वो आप बोल सकते हो कि ज़्यादा रिलायबल इंजन है। होंडा का इंजन है, टेस्टेड इंजन है, तीन साल पहले बाइक लॉन्च हुई थी, मेरी जो बाइक है उसको ली हुई ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं, 2 साल से ऊपर ही हो गए हैं, अभी तक इंजन की परफॉर्मेंस में कोई भी दिक्कत नहीं आया, कुछ भी डिफरेंस नहीं आया, सेम पैपी उसका इंजन फील होता है जैसे मुझे डे वन पे फील होता था। ये खास बात है होंडा के इंजन की। और ट्रायम स्पीड के इंजन को जो कि बजाज ने बनाया है, अपनी रिलायबिलिटी, अपनी परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में प्रूव कर रही है, और वो तो खैर टाइम ही बताएगा कि कैसा रहेगा। हाँ, मैं बोल सकता हूँ कि 5000 किलोमीटर करने के बाद में अभी तक इस बाइक में जो है इंजन की परफॉर्मेंस में कोई डाउनफॉल नहीं आया, सेम जैसे परफॉर्म कर दी स्टार्टिंग में जब मैंने बाइक परचेज कर दी, वैसे ही अभी है परफॉर्मेंस। नेगेटिव की पॉइंट की बात करें ना यार, तो इस बाइक में नेगेटिव पॉइंट एक ही है कि थोड़ी बाइक हीट होती है। ऑफकोर्स पावर ज़्यादा मिल रही है आपको, छोटी सी बाइक में आपको पावर 40 bhp की पावर मिल रही है कंपेयर टू होंडा हाइनेस, डबल पावर मिल रही है, लेकिन हाँ थोड़ी हीट फील होती है आपको। मुझे मेरा अभी तक एक्सपीरियंस है कि लास्ट 2 महीने में मुझे एक दिन खाली हीट ने अनॉय किया था, उसके अलावा कुछ ऐसा मुझे मेजर
हीटिंग इशू, मेजर हीटिंग इशू नहीं लगा, बट हाँ हीटिंग इज देयर। तो ये था राइडिंग एक्सपीरियंस दोनों बाइक्स का। प्रॉज एंड कॉन्स भी मैंने आपसे शेयर कर लिए हैं, दोनों बाइक के नेगेटिव पॉइंट्स भी मैंने शेयर कर लिए हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन से राइडर को कौन सी बाइक लेनी चाहिए। देखो मेरे अकॉर्डिंग ना, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको स्पीड चाहिए, थ्रिल चाहिए, पावर चाहिए और माइलेज कहीं ना कहीं आपके लिए मैटर नहीं करती है, माइलेज इस बाइक की भी अच्छी है, 30 के आसपास है बट कंपेयर टू सी50 कम है, तो ये बाइक है आपके लिए। ट्रायम्फ स्पीड, इमीडिएटली जो पावर सर्ज मिलता है ना आपको, वो इस बाइक में कंपेयर टू होंडा NS आपको बेटर मिलता है, नो डाउट। तो हम बोल सकते हैं कि इस बाइक का इंजन लॉन्ग टर्म में कैसे परफॉर्म करेगा, वो तो वेट एंड वॉच वाली बात है। और अगर आपको चाहिए बढ़िया माइलेज, रिलायबल इंजन, कंफर्टेबली क्रूज करना है, बहुत ज़्यादा बाइक को पुश नहीं करना, तो ये बाइक आपके लिए है। इस बाइक की इंजन परफॉर्मेंस जो है ऑफकोर्स टेस्टेड है, 2 साल से बाइक मेरे पास में है, मेरे जो हाइनस है मुझे 2 साल हो गया लिए हुए, दोनों ही अपने सेगमेंट में बढ़िया बाइक हैं। बात करते हैं प्राइस की, CB350 का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 2,15,000, इस बाइक का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 2,33,000। तो प्राइस जो है दोनों बाइक का सिमिलर ही है, ऑलमोस्ट 15-17,000 का फर्क है। तो ठीक है यार, सारे पॉइंट जो है मैंने इन दोनों बाइक की जो है कवर कर लिए हैं। अगर स्टिल मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो ना तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करूंगा श्योरली, बट मे बी थोड़ा सा लेट रिप्लाई आए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर जरूर करना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, राइड सेफ, ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।